यहाँ पर गेट दरवाजे के बाहर खड़ी हुई है। मुझे लगता है जो मुख्यमंत्री जिस तरीके से कल मातोश्री पे आए और जो आदेश उन्होंने दिए, जो मीटिंग उन्होंने ली कि भाई कुछ भी हो पुलिस डिपार्टमेंट को ये आदेश देना कि थोड़ा रिलीफ करो, जो बैरिकेड हमारे लेन के दोनों तरफ लगी हुई थी आज बैरिकेड भी हटाए गए हैं और वो बैरिकेड क्रॉस करके हमारे गेट के अंदर तक दरवाजे जहाँ पर बाकी भी 10 फैमिलियां हमारे साथ में रहती हैं वो अपार्टमेंट में, वो लोगों को भी परेशान ये डिपार्टमेंट के वजह से आज होना पड़ रहा है कि अंदर घुसने तक ये डिपार्टमेंट कर क्या रहा है और किसके आदेश में ये डिपार्टमेंट चल रहा है, जिस तरीके से लोगों का और हमला करने की जिस तरीके से वो प्रयत्न कर रहे हैं। कि कल भी उन्होंने यही बोला, दो शब्द बोले मुख्यमंत्री ने, और मुख्यमंत्री जो 2 साल 2.5 साल से काम पे ही गए नहीं है, जो बोलते है ना कि हमारे मराठी में एक मन है, बहुत ज्यादा अच्छी मराठी मुझे आती नहीं पर जितनी मराठी मुझे आती है, बिन कामे पूर्ण पगारी, या पद्धति जी जो मुख्यमंत्री हमारे काम कुछ नहीं पर पगार पूरा लिया है मुख्यमंत्री का पिछले 2-2.5 सालों से, और काम एक बार भी मंत्रालय वो गए नहीं है, पर सिर्फ कल पूरी फैमिली के साथ में वो मातोश्री के बाहर आए और अपने पूरे शिव सैनिकों के साथ में उन्होंने घर में मीटिंग ली, पदाधिकारियों को हमला करने के लिए उन्होंने तैयार किया। और जब जहां कल रात तक बैरिकेड को कोई टच भी नहीं कर पाया जो शिव सैनिक, आज वो बैरिकेड को तोड़ के गेट के अंदर तक कैसे आते हैं ये पहला प्रश्न मेरा इनसे। या तो डिपार्टमेंट उनके प्रेशर में काम कर रही है या डिपार्टमेंट उनके अनुसार काम कर रही है, दोनों में से ये एक चीज है। अगर इतनी खुलेआम अगर गुंडागर्दी शिवसेना में कर रही है, और मैं अभी भी बोल रही हूँ कि मैं नीचे भी जाऊंगी और गेट के बाहर भी जाऊंगी और मातोश्री के बाहर हम हनुमान चालीसा का पाठन भी करेंगे, उसमें कोई भी हमें रोक नहीं सकता है। तुम्हारे पास जरूर प्रशासन और सरकार होगी तुम्हारी, पर ताकत तो हमको भी हमारे लोगों ने दी है, तुम तुम्हारे पीढ़ी के भरोसे खा रहे हो, हम अपने स्वतः हमारा भविष्य हमने निर्माण करके यहाँ पर आए, और बजरंग बली की ताकत संकट मोचन की ताकत हमारे साथ है, तो कोई भी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये डिपार्टमेंट को भी बोलना है और उद्धव ठाकरे को भी बोलना है, 100% है। मैंने कल भी बोला है कि अगर कोई हमला होता है, सुव्यवस्था बिगड़ती है, तो उसका पूरा इल्जाम और पूरी कार बोलते हैं ना जो मास्टर प्लानिंग, काम तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ किस पे हमला करना है, किसको अंदर डालना है, किसको मर्डर केस में डालना है, किसको हाफ मर्डर में डालना है, किसको कौन से गुना में डालना है, बस वही प्लानिंग करने के लिए उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हमारे महाराष्ट्र में रह गए, बाकी तो कोई काम करना नहीं है। जिस तरीके से वो आके बोलते हैं कि नवनीत राणा रवि राणा को मारना है, उनपे हमला करना है और अपने गुंडे हमारे घर तक भेजते हैं, ये सोसाइटी है और सोसाइटी में हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग रहते हैं। मुझे लगता है हनुमान चालीसा का इतना विरोध उद्धव ठाकरे जी क्यों कर रहे हैं। मैं आखिर में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को विनंती करूंगी, देश के प्राइम मिनिस्टर जी और राष्ट्रपति जी को भी विनंती करूंगी कि हमारे महाराष्ट्र पे ध्यान दीजिए। हमारे महाराष्ट्र में जो परिस्थिति निर्माण हो रही है, जो गुंडाशाही हो रही है, जो आदेश पे हर डिपार्टमेंट काम कर रहा है, अगर हमें नजर कैद में और बंद रख सकते हैं, घर के अंदर बंद किया जाता है, पुलिस वाले 10 हमारे घर के दरवाजे के बाहर खड़े, तो मुझे लगता है वो शिव सैनिकों को इतनी रिलीफ क्यों दी गई है। हम तो कोई गुंडे नहीं है, हमारे हाथ में तो कोई तलवारें नहीं है, ना ही हमारे हाथ में कोई पत्थर है, ना ही हमारे हाथ में कोई डंडे हैं।